साहब कानूनी जंग से मैं श्याम के सब तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 चरम सीमा पर हैं और बिल्कुल यहाँ पर हमारे साथ आज जुड़ी हुई हैं जमुई सैदपुर विधानसभा क्षेत्र की विधायिका हैं। उन्होंने क्षेत्र में विकास की नदियाँ बहा दी हैं और किसी पर्दे के मुताबिक नहीं है महागठबंधन के उम्मीदवार। यहाँ की स्थानीय विधायिका श्रीमती मंगिता देवी तो इस बार महागठबंधन से पुनः उम्मीदवार बनाई गई हैं और आज हमारी पूरी टीम उनके पास पहुंची उनके आवास पर इनसे बात करने के लिए कि उन्होंने इस क्षेत्र में भूमि शैलपुर विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या विकास किया है और इनके विकास काम से यहाँ की जनता यहाँ की मतदाता कितने खुश हैं। आइए विधायक जी का स्वागत करते हैं इस चैनल में। यहाँ विधायक का बहुत बहुत स्वागत है। पूरे मंत्री देखे मंगिता देवी पूरे मंत्री देखे राष्ट्रीय जनता दल से दूसरी बार राष्ट्रीय जनता दल से अच्छा ये बताइए कि आप चुनाव यहाँ जब जीते हैं राष्ट्रीय जनता दल से दूसरी बार प्रत्याशी बनाई गई हैं तो आपने विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या विकास किया हमारे दर्शकों को बता दीजिए। चैनल के माध्यम से मैं उन्हीं सबको विधानसभा क्षेत्र के जनता के माध्यम से मतदाता माइकों को और दर्शकों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और पिछले 5 साल में जो मेरा विकास कार्य रहा है उन्हीं सेक्टर में मैं समावेशी विकास की हूँ। समावेशी विकास के साथ साथ यहाँ के लोगों को सुरक्षा प्रदान की हूँ। विधायक फंड से लगभग 200 PCC सड़क का निर्माण हुआ है। MR सड़क बना है। लगभग 25 ऐसे PMGSY सड़क हैं जिसको रीटेंडर कराकर ऐसे सर जमीन पर लगा। इसके साथ साथ विद्युत के क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में चिकित्सा के क्षेत्र में हर क्षेत्र में मैं पूरी मुस्तैदी से और निष्ठा के साथ मैं काम की हूँ। जो भूमि सैक्टर की जनता माइकों के सामने है तो इस बार आप चुनाव लड़ रही हैं लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रही हैं और जो जनता का समर्थन है आपकी ओर जा रहा है या किसी अन्य दल की ओर जा रहा है क्या कारण कहने से देखिए मैं जब क्षेत्र में भ्रमण कर रही हूँ तो क्षेत्र की जनता मालिकों का मुझे अपार समर्थन मिल रहा है। उनका स्नेह विश्वास मेरे साथ है और मुझे उम्मीद ही नहीं मुझे पूरा विश्वास है कि भूमि सैक्टर की जनता मुझे फिर से चुनाव के जाकर विधानसभा तो हमारी टीम उन्नीसवीं विधानसभा क्षेत्र के शुद्ध ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंची और वहां की जो वोटर हैं उनसे राय मशवरा करने के बाद ये बिल्कुल पता किया कि बिल्कुल इस बार फिर से मंगिता देवी की टीम की क्या होने वाली है क्योंकि लगभग 70% के लोगों ने कहा कि मंगिता देवी ने इस विधानसभा क्षेत्र में विकास की गंगा इन्हें बढ़ाई है और काफ़ी चाहे स्वास्थ्य हो सड़क हो बिजली हो शिक्षा हो सब के क्षेत्र में उन्होंने विकास किया है और इस बार क्योंकि इनका जो मुख्य एजेंडा है वो विकास है क्योंकि विकास के लिए ही ये जनता से वोट डाल रही है और इस तरह का कहना है कि एक बार फिर से ये इस विधानसभा क्षेत्र की विधायिका बनेगी और जो काम इनके द्वारा नहीं किया गया है पंचवर्षीय योजना में ये इस बार जीतने के 2 माह के अंदर जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है लेकिन जब इनकी सरकार बनेगी तो क्या 2 महीना या फिर उससे अधिक महीने में क्या कुछ करेंगे इनसे जानते हैं। पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ जो विकास हुआ है धरातल पे आर्मी सैकड़ों इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि कहिए तो गरीबों को खदान विभाग के द्वारा अनाज वितरण क्योंकि पहले विधायक मेरे बनने से पहले गरीबों को साल में 2 ही बार अनाज मिलता था लेकिन जब मैं विधायक बनी तो खदान विभाग से लड़ाई लड़न पर सड़क से लेकर सदन तक आज के डेट में हर गरीब को नियमित और निर्धारित अनाज मिल रहा है तो मेरी यहाँ भूमि सैकड़ों का जो कृषिभूमि है इस पर सबसे महत्वपूर्ण मेरी लड़ाई रही खदान माफियाओं से और भू माफियाओं से क्योंकि भू माफियाओं के द्वारा भी गरीबों को प्रताड़ित किया जाता था आए दिन उनके घर पे बुलडोजर चलाया जाता था। एक जांच कमेटी बनाया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उसके जांच कमेटी के द्वारा भू माफियाओं के द्वारा भी सरकारी जमीन का बंदरबाट होता था उस पर अभी अंकुश लगा है
खुशी है गरीबों के हक के लिए जो लड़ाई लड़ी हमने सफलता मिली। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि ये तो मेरा वित्तीय 5 साल का कार्यकाल रहा और आगे मैं चुनाव में यदि विजयी होती हूँ तो निश्चित रूप से यहाँ प्रखंड का जो दर्जा मुझे मलाल है कि प्रखंड का दर्जा माननीय चौक पंचायत और महिंद्वारा पंचायत को जो प्रखंड का दर्जा मैं नहीं दिला पाई क्योंकि मेरा अपनी सरकार नहीं थी। और बिल्कुल इस बार इस चुनाव में जिस जितना मत से हम पहले विजयी हुए थे उसे दुगुने मत से इस बार हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। बिल्कुल, तो हमारे चैनल के माध्यम से अपने मतदाता मालिकों से और कुछ आह्वान करना चाहेंगे। मैं अपने 1900 विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन से और मतदाता मालिकों से अपील करना चाहती हूँ कि जो भी लंबित या शेष काम रह गया मेरे द्वारा लाल है आप लोग पूरा मुझे अपने कीमती वोट से मुझे जिता कर विधानसभा पहुँचाने का काम करें ताकि जो शेष काम रह गए हैं उसको मैं फिर से धरातल पर लाने का काम करूँगी। आप लोगों का जिस तरह से मैं लड़ाई लड़ी उस तरह से फिर से मैं समावेशी विकास के साथ साथ सुरक्षा प्रदान करती रही उसमें विधानसभा में एक ईमानदार नेतृत्व देने का मैं काम की हूँ और आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो पुनः इसी आधार पर आगे। अच्छा, आपके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होगी किसके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होगी आपके लिए खासकर मैंने पहले ही बताया आपको कि मुझे मलाल रहा है कि यहाँ पे 33 पंचायत हैं और प्रखंड के लिए सारे क्राइटेरिया जो कुल पीओका है ऊपर रहा है यहाँ पे, तो मैं पहले सबसे पहले समझिए को मैं यहाँ प्रखंड का दर्जा दिलाने का काम करूँगी माननीय चौक और मंदवारा पंचायत को। और नौजवान जो है बेरोजगार मेरे नेता के घोषणा पत्र में भी है कि बेरोजगारों को पहले बैठक में पहले कलम से 10 लाख नौकरी दी जाएगी तो उन्हें स्वाभाविक है कि उन्हीं सरकार के जो रोजगार हैं शिक्षित हैं उनको नौकरी दिलाने में मैं पूरी मदद करूँगी। सर हमारी टीम के कुछ लोग हैं जो प्रदेश प्रभारी हैं आलोक जी हैं इधर पटना से पहुँचे हैं सीतामढ़ी में खासतौर पर विधानसभा चुनाव है यहाँ के मतदाताओं से जानने के लिए किस तरह किसकी सरकार बनेगी और तमाम जो कैंडिडेट्स हम लोग पहुँचे हैं उनकी राय लेने के लिए तो हमारे जो ये लोग पटना से पहुँचने के लिए क्या कहना चाहेंगे चैनल के माध्यम से। पटना से आए हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस करीब हम लोग पहुँचे थे मिर्सैल विधानसभा क्षेत्र में जहाँ की भूमिका है श्रीमती मंजिता देवी और ये दूसरी बार राजद राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ रही हैं महागठबंधन की उम्मीदवार बनाई गई हैं और इन्होंने कहा कि इनकी लड़ाई किसी से नहीं है इनकी लड़ाई बिल्कुल यहाँ का जो जनसमर्थन है इनके साथ है और पिछले तीन बार चुनाव जीते थे लगभग 14 से 15 हज़ार मतों से इस बार दोगुने मतों से ये चुनाव जीतकर विधानसभा जाएंगी। कैमरामैन सत्य के साथ देखते रहें।